नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको जिस औषधीय वृक्ष का परिचय कराने वाले हैं, वह अपने अद्भुत गुणों के कारण आधुनिक विज्ञान के लिए एक शोध का विषय है। पर हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इसके औषधीय गुणों की खोज कर ली थी। यह वृक्ष इतना चमत्कारी है कि अपने पके हुए फलों को वर्षा काल के उपरांत फिर से हरा कर देता है, और इस वृक्ष का नाम है बेल, जिसको संस्कृत में श्री फल भी बोलते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी और इसके औषधीय फायदों को जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको हमेशा काम आएगी। बेल पत्र तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे वृक्ष एवं पेड़ पौधे धर्म के साथ जोड़े जाने का एक कारण यह भी रहा होगा कि लोग इन वनस्पतियों की रक्षा करें और इनके औषधीय लाभ का फायदा ले सकें। इस बेल वृक्ष पर गर्मियों के मौसम में इस तरह के फल लगते हैं, जो कच्ची अवस्था में हरे एवं पकने पर पीले हो जाते हैं। इन फलों को तोड़ने पर इस तरह का गूदा निकलता है एवं शहद जैसा तरल द्रव्य भी निकलता है और बीज भी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये पका हुआ फल यदि पेड़ पर ही लगा रहे तो दोबारा बारिश आने पर यह फल फिर से हरा होने लगता है। इस वृक्ष के पत्ते और फल दोनों ही अद्भुत औषधीय गुण रखते हैं। इनके औषधीय गुणों को जानने के पहले हम इस वृक्ष के विभिन्न नामों की जानकारी भी आपको बता देते हैं, जिससे पहचानने में आपको समस्या ना हो। संस्कृत में इसको बिल्व, श्रीफल, कंटकी, सदाफल, महाफल, शैलपत्र, लक्ष्मी फल और भी अनेक नामों से जाना पहचाना जाता है। हिंदी में बेल, श्रीफल, उत्तराखंड में बेल, उर्दू में बेल, उड़िया में बेलो, कोकर्णी में बेल, कन्नड़ में बेल पत्रे, गुजराती में बीली और नेपाली में बेल, बंगाली में बेल आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। इसको अंग्रेजी में बेल ट्री और इसका वनस्पतिक नाम है एग्ली मार्मेलोस। आपकी भाषा में इसको क्या नाम से जानते हैं, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आयुर्वेद के अनुसार इसका कच्चा फल अधिक लाभकारी होता है। वैसे तो सभी फलों को पकने पर अधिक लाभकारी माना जाता है, पर बेल के साथ ऐसा नहीं है। इसका कच्चा फल ज्यादा लाभकारी माना जाता है, इसके बाद अधकच्चा फल और अंत में सबसे ज्यादा पका हुआ फल। पर इसके औषधीय लाभ तीनों प्रकार से पके हुए फलों को प्रयोग करने से प्राप्त होते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार बेल कफ वात शामक, रुचिकारक, उष्ण, दीपन, पाचन, रक्त, कफ घन, स्तंभन, मूत्र एवं मूत्रगत शर्करा को कम करने वाला होता है। यह पौष्टिक, अतिसार, रक्त अतिसार, प्रवाहिका, मधुमेह, श्वेत पदर आदि को दूर करता है। इसका फल पाचन संबंधी समस्याओं को, आंतों की समस्याएं एवं कब्ज, बवासीर आदि में बहुत ही लाभकारी है। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है, बार बार चीजों को भूल जाते हैं या फिर कोई मानसिक बीमारी है, तो उसमें यह बहुत ही लाभ करता है। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, नर्वस सिस्टम की किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने में यह अद्भुत शक्ति रखता है। इस फल का अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार यह गर्म प्रकृति का है। लेकिन अतिसार, पतले दस्त, मरोड़, पेचिस, संग्रहणी, प्रवाहिका आदि में लिया जाए तो बहुत ही गुणकारी और अमृत के समान है। बेल का चूर्ण, मुरब्बा और शरबत बनाया जाता है। चूर्ण बनाने के लिए इसके फलों को सुखाकर गूदा निकालकर चूर्ण बनाया जाता है। इसका शरबत बनाने के लिए आप इसके फलों को तोड़कर इनका गूदा निकालकर रख लीजिए और किसी बर्तन में पानी डालकर इस गूदे को उसके अंदर डालकर हाथों की सहायता से मसल लीजिए, जिससे इसके बीज और तंतु अलग होने लगते हैं और आम के रस की तरह इसका शरबत बनने लगता है। इस शरबत को आप छानकर रख लीजिए। यदि आप चाहें तो इसके अंदर पिसी हुई मिश्री या पुदीना, धनिया आदि मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से बनाया हुआ शरबत थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करते हैं तो ये गर्मियों के लिए उत्तम पेय पदार्थ है। बेल एवं बेल पत्र का इस्तेमाल स्त्री, पुरुष, बच्चे एवं सभी आयु वर्ग के लोग आसानी से कर सकते हैं। यह सभी को समान रूप से लाभ पहुंचाता है। आइए अब जानते हैं इसके अनेक लाभकारी औषधीय फायदे और प्रयोग, जो बहुत ही लाभकारी है। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसका फल बहुत ही पौष्टिक होता है और इसके फलों को सुखाकर गूदे का चूर्ण बनाकर रख लें और उसमें मिश्री मिलाकर दूध के साथ रोज सुबह शाम सेवन करने से खून की कमी, कमजोरी, वीर की कमजोरी, थकान, मानसिक थकावट आदि समस्याएं दूर होती हैं। इसके और भी काफी सारे पौष्टिक प्रयोग हैं, जिनको हम बता रहे हैं। इसके पत्ते त्रिदोष नाशक होते हैं,
तथा वीर्य विकारों को दूर करते हैं, धातु को पुष्ट करते हैं। इसके पत्तों का चूर्ण 2 से 3 ग्राम मात्रा में शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम लेने से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। इसके पत्तों का एक और प्रयोग है, इसके पत्तों का रस 20 ml, 5 ग्राम जीरा, 20 ग्राम मिश्री तथा 100 ml दूध सभी को आपस में मिक्स करके छानकर रोज सुबह पीने से सभी प्रकार की कमजोरी मिट जाती है और शरीर में अद्भुत शक्ति आती है तथा पेट संबंधी सभी विकार ठीक होते हैं। इसका एक अत्यंत ही बलवर्धक प्रयोग है जो आप घर पर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए अश्वगंधा, मिश्री और बेल, इन तीनों को मिलाकर दूध के साथ 2 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करते हैं तो अत्यंत ही आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं तथा दुबला पतला शरीर मोटा होने लगता है। यदि आप चाहें तो बेलगिरी चूर्ण को अकेला ही सुबह दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। बेल का शरबत, चूर्ण और मुरब्बा भी बनाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि पेट संबंधी रोगों में हम बेल का किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये पेट रोगों की रामबाण दवा है। तो पहला प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनको भूख नहीं लगती, पाचन शक्ति कमजोर है, पेट में गैस है, आम, मड़ोर आदि की समस्या होने पर छोटी पीपल, वंशलोचन और बेलगिरी चूर्ण सभी को समान मात्रा में लेकर अदरक मिलाकर गुनगुना करके चटनी की तरह दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। पके हुए फल का सेवन करने से पाचन शक्ति की कमजोरी और बुखार दूर होता है। आइए अब जानते हैं संग्रहणी रोग के बारे में। संग्रहणी रोग उदर रोगों में सबसे कष्टदायी रोग माना जाता है और यह रोग जिसको हो जाता है उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। व्यक्ति कुछ भी खाता पीता है तो उसको सोच जाना पड़ता है, उसकी पाचन शक्ति बहुत ही कमजोर हो जाती है, खाया पिया शरीर को नहीं लगता है, ज्यों का त्यों कच्ची अवस्था में ही निकल जाता है, यानी कि हजम करने की शक्ति खत्म हो जाती है, शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो इसके लिए कुछ प्रयोग है। पहला प्रयोग है बेल चूर्ण, सौंठ चूर्ण तथा पुराना गुड़, तीनों को समान मात्रा में लेकर भांग की तरह घोट कर छाछ के साथ 2 से 4 ग्राम की मात्रा में दिन में 2-3 बार सेवन करने से संग्रहणी रोग ठीक हो जाता है तथा पेट के अन्य रोग भी ठीक होते हैं। इसका एक प्रयोग और है, कच्चे बेल को आग में सेंक कर सेवन करने से संग्रहणी रोग ठीक हो जाता है। इसके बाद अगला रोग है डिसेंट्री, यानी कि प्रवाही का। यह भी बहुत ही कष्टदायी रोग होता है जिसमें पतले दस्त लगने लगते हैं, पेट में दर्द, ऐठन, थकान और बुखार भी आ जाता है। यह एक प्रकार का आंतों का इन्फेक्शन होता है जो गलत खान पान के कारण हो जाता है। इसको दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं। पहला उपाय है कच्चा बेल का गूदा, गुड़, तिल्ली का तेल, पीपली तथा सौंठ सभी को समान मात्रा में मिलाकर 10 से 15 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से लाभ होता है। चलिए अब बात करते हैं अतिसार के लिए। यह बहुत ही अधिक मात्रा में होने वाला रोग है जिसको पेचिस, डायरिया या दस्त आदि के नाम से भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो मिलते जुलते होते हैं और यह प्रयोग करने से इन सभी बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। यह भी एक पेट और आंतों की बीमारियां होती जो गलत खान पान के कारण होता है। इसमें बार बार दस्त लगते हैं और अधिक मात्रा में दस्त लगते हैं जिससे शरीर कमजोर होता जाता है और कभी कभी दस्तों में खून भी आता है, पेट में ऐठन और दर्द होता है, आंतों में सूजन भी आ जाती है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो संग्रहणी रोग हो सकता है। अतिसार किसी को भी हो सकता है। इसको दूर करने के लिए बेल अद्भुत काम करता है। आइए जानते हैं इसके कुछ प्रयोग। यदि गर्भवती स्त्री को अतिसार रोग हो गया है तो 5 से 10 ग्राम बारीक बेल चूर्ण को मिश्री मिलाकर चावल के धोवन के साथ सुबह शाम सेवन कराने से या दिन में 2-3 बार सेवन करने से बहुत अच्छा लाभ होता है। यदि बच्चों को हरे पीले दस्त लगते हैं तो 5 से 6 ग्राम की मात्रा में बेलगिरी को सौंफ के अर्क के साथ पीसकर दिन में 2-3 बार बच्चों को देने से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। बेल का मुरब्बा खाने से पित्त अतिसार ठीक हो जाता है। यदि बेलगिरी का शरबत पिया जाए तो अतिसार में बहुत ही लाभकारी है। बेलगिरी, धनिया और मिश्री मिलाकर बनाया गया शरबत अत्यंत लाभकारी होता है। बेल का शरबत बवासीर, कब्ज, आंतों की सूजन आदि में भी बहुत लाभकारी होता है एवं बहुत ही पौष्टिक भी होता है। बेल मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यदि इसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो मधुमेह को ठीक किया जा सकता है। इसके लिए इसके पत्तों का प्रयोग करना है। 10 से 20 ग्राम की मात्रा में इसके पत्तों को लेकर 5 काली मिर्च मिलाकर पीस कर सुबह शाम खाली पेट सेवन करने से मधुमेह रोग धीरे धीरे ठीक होने लगता है। यदि आप चाहें तो बेल पत्तों का रस निकालकर भी 10 ml की मात्रा लेकर सुबह सुबह
इसका प्रयोग करा सकते हैं। डायबिटीज के लिए हम आपको एक विशेष योग बता रहे हैं जो बहुत ही अच्छा लाभ करता है। इसके लिए बेलपत्र यानी कि बेल के पत्ते, हल्दी, गिलोय, हलन, बहेड़ा और आंवला, इन सभी को समान मात्रा में लेकर एक गिलास पानी में रात को भिगोकर रख दें। यदि आप मिट्टी का बर्तन लेते हैं तो अति उत्तम है, ज्यादा लाभ करेगा। फिर इन सभी औषधियों को उसी पानी में मसल कर छान कर पीने से मधुमेह रोग 2-3 महीने में ही पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। इन सभी औषधियों को आप दरदरा कूट कर रख लें और 10 से 20 ग्राम की मात्रा ही प्रयोग करें, या फिर आप अपने बलाबल अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में दुर्गंध आने पर इसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों का रस निकालकर पानी में मिलाकर या फिर शरीर पर मलकर फिर स्नान करने से शरीर में आने वाली दुर्गंध यानी कि पसीने की दुर्गंध से मुक्ति मिल जाती है। महिलाओं के प्रदर रोग में बेल पत्तों का चूर्ण शहद के साथ खिलाना बहुत ही लाभकारी होता है और इसके पत्ते त्रिदोष नाशक होते हैं। मूत्र संबंधी विकारों में ताजा बेल फल का गूदा मिश्री मिलाकर खिलाने से लाभ मिलता है। भारत की अनमोल वनस्पति और पेड़ पौधों की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। जागरूक बने और लोगों को जागरूक करें। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आप सभी के लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे और आप उनको समय पर देख पाएं। यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल, विचार या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप बेल के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं, आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।